यहाँ के बच्चे को सबसे पहले क्लासरूम में आना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यदि बच्चे क्लास में आएंगे तो शिक्षक हमारे आ ही जाएंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी बच्चे को पढ़ाना। इसलिए हम सभी का दायित्व है, यूनिवर्सिटी का ही नहीं, यूनिवर्सिटी पदाधिकारी के साथ साथ यहाँ के प्रबुद्ध जनता का दायित्व है, यहाँ के बच्चों का दायित्व है, वह महाविद्यालय आवे और रेगुलर महाविद्यालय आवे, क्लासरूम में जाए, और जब क्लासरूम में एक दिन दो दिन चार दिन जाएंगे तो शिक्षक निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए हमारा दायित्व हम जनता का दायित्व है, हम छात्रों का दायित्व है कि हम क्लासरूम जाएं, और क्लासरूम जाएंगे तो निश्चित क्लास होगा। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी सेशन जो लेट से चल रहा है ये कब तक ठीक? नहीं, लेट नहीं चल रहा है, तीन चार माह लेट से चल रहा है। तीन चार माह चल रहा है बस, वह माने दो चार महीना के अंदर वह सब सही हो जाएगा। आप देखे होंगे कि मेरा एक साल का कार्यकाल हुआ है, हमने 71 एग्जामिनेशन लिया है और उसका रिजल्ट माने मिनिमम कम से कम जितना दिन में हो सकता है ग्रेजुएशन का और पीजी का रिजल्ट हमने 22 दिनों में दिया है। इसलिए हमारा प्रयास हो रहा है कि हम सेशन सुधार दें, यदि दो तीन महीना लेट है वह दो तीन महीने के अंदर ही हुआ सेशन रेगुलर। हमारा एक प्रखंड है सिगारीपाड़ा प्रखंड में, एक सरसाजुल गाँव में डिग्री कॉलेज जो बन रहा है ये कब तक शुरू होगा? ये आज हम लोग जा रहे हैं इसको देखने, और देख करके फिर हम अपने शिक्षा विभाग से बात करेंगे, तो उसमें शिक्षक देने की जब तक प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती है तब तक लेना मुश्किल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एडमिशन तो हम ले लेंगे, शिक्षक बहाली हमारे हाथ में नहीं होता है, और जब तक शिक्षक नहीं जाएंगे तो फिर उसी तरह दिक्कतें होंगी। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे पत्र के माध्यम से कि वह शिक्षक की नियुक्ति करें, तो हम तुरंत जितना जल्द होगा एक महीने के अंदर उस कॉलेज को फिर हैंड ओवर करेंगे। सर आपने कहा क्या था, बच्चे आएंगे तभी शिक्षक आएंगे, मान लीजिए यदि कल बच्चे नहीं आते तो क्या शिक्षक नहीं आएंगे? शिक्षक तो आएंगे, शिक्षक का आना काम है, लेकिन इसलिए कहा, अभी तो कहा आपने, हाँ सुन लीजिए मेरी बात, इसलिए कहा कि यदि शिक्षक आएंगे तो किसको पढ़ाएंगे? तो इसका मतलब शिक्षा क्या छोड़ दे? नहीं नहीं, हमारे बच्चे एक मिनट, हमारे बच्चे एडमिशन लिए हैं पैसा दे करके, वह यदि पढ़ने की इच्छा रखेंगे और वह क्लासरूम में आएंगे तो डिफिनेट मजबूरी में भी शिक्षक को आना पड़ेगा। इसलिए हम पहले अपने छात्रों से अनुरोध करते हैं कि छात्र क्लासरूम टीचिंग में विश्वास करें, आए डिफिनेट टीचर को आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो फिर उन पर कार्रवाई होगी जो हमारे बस में है। सर एक बात सुनने को मिल रही है, बीएड का फीस सर बढ़ा दिया गया है, ये हमारा संताल क्षेत्र सर बहुत ही गरीब है। आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है, सुनो सुनिए बता देते हैं, सिर्फ मेरे पांच महाविद्यालयों में यह पूर्व के कुलपति का आदेश था कि सभी महाविद्यालयों का बीएड का एक जैसा फी होगा, और सिर्फ पाँच महाविद्यालय जो है जो कॉन्स्टेंट कॉलेज में प्राइवेट रूप में चल रहे हैं उस महाविद्यालय का फीस बढ़ाने की बात हुई थी जो अभी तत्काल स्थगित। सर मंच पर विधायक साहब नहीं दिखाई दिए, और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं।